इस वक्त कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में लगी हुई है। दुनिया तो नहीं है, खैर 10-20-15 देश ही है जो आपस में खेलते रहते हैं, उसी को वर्ल्ड कप कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सब वर्ल्ड कप में लगे हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर दूसरी तरफ जो है एक एशियन टीम में, एशियन क्रिकेट में भूटान सुपर 50 कप इस वक्त चालू है और उसकी अपडेट आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं, क्योंकि डेली क्रिकेट हमेशा से एशियन क्रिकेट की अपडेट्स के लिए एक चैनल रहा है यूट्यूब में। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट के साथ और हमारे एफर्ट को हमेशा अप्रिशिएट जरूर करते रहिए। खैर, भूटान सुपर 50 कप में अब तक कई सारे मैचेस हुए हैं, विकेट टू विकेट मैचेस हो रहे हैं। अब तक कौन सी टीम बेहतर कर पाई है, क्या किनके पॉइंट्स टेबल हैं, कौन सा ही फाइनल में पहुंचने के लिए बेहतर लग रहा है, ये सारा कुछ हमने कम्युनिटी में अपडेट डाला है, आप एक बार जाकर जरूर चेक करिए। फिलहाल आज की बात करें तो आज मैच 5 था, सैटरडे है तो वीकेंड है। मैच 5 की बात करें तो आज था ड्रग चार्जर्स वर्सेस पारो ब्लू मून क्रिकेट क्लब के बीच में पांचवा मैच इस भूटान सुपर 50 कप का। एंड सबसे पहले यहां पर अगर बात करें तो ड्रग चार्जर्स ने पहले यहां पर बैटिंग की और उन्होंने एक बेहतरीन टोटल तो जरूर लगाया, लेकिन सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने 50 ओवर इस गेम में पूरे खेले। एंड ये 50 ओवर खेलने में कामयाब कैसे हुए, कौन से प्लेयर्स का योगदान रहा, क्या गया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि इस बार प्लेयर्स, अब खासकर ड्रग के प्लेयर्स खेलने पे, टाइम बिताने पे ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं पिच पर, ये बहुत अच्छी बात है। और आप जितना ही क्रिकेट खेलेंगे अभी इस वक्त में, जितना 50 ओवर ये रखवाया गया है, ये बेहतरीन है। इतनी T20 टीम है वो, और T20 से रिलेट करते हैं, लेकिन अगर 50 ओवर का उनका इन्वायरमेंट ऐसा हो जाए प्लेयरों के अंदर, तो जब खुदा करेगा कि जब उन्हें ODI स्टेटस मिलेगा आगे जाकर, तो बहुत बहुत फायदा होगा इस 50 ओवर का। और ODI स्टेटस गेन करने के लिए भी उन्हें चैलेंजिंग जैसे टूर्नामेंट को अगर वो जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, 255 रन उन्होंने बनाए और ऑल आउट नहीं, 9 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर पूरी बैटिंग की है, 50 ओवर वाकई शानदार खेल दिखाया है आज उनके प्लेयर्स ने। पासा जो कि उनके ओपनर हैं, उन्होंने 67 बॉलें जरूर खेली और 28 रन जरूर बनाए, लेकिन उसके बाद जो हाईलाइट रहे वो है सेकंड डाउन के बैट्समैन डैम्बर, जिन्होंने 73 रन बनाए 59 बॉलों में। स्ट्राइक रेट बिल्कुल 123 की स्ट्राइक रेट है, बहुत बहुत ही अच्छी स्ट्राइक रेट से रन बनाए। विवेक 37 रन उन्होंने बनाए 39 बॉलों में, विनेश सिंह ने 24 रन 29 बॉलों में, और संजोग जो है वो डाउन द ऑर्डर आए थे, उन्होंने 21 रन किए 15 बॉलों में। आप स्ट्राइक रेट सकते हैं, किसी का 82, किसी का 94, किसी का 120, इस तरीके का स्ट्राइक रेट है, बेहद ही शानदार के लिए ड्रुक चैलेंजर्स 255 में 950। बिल्कुल, एक चीज यहां देखने वाली बात है कि ड्रुक चैलेंजर्स के जो प्लेयर्स के आपने नाम बताया, उनके जो स्ट्राइक रेट हमने बताया वो बहुत मेंटेन्ड लग रहे हैं। बिल्कुल, आप यहां पर 120 80 का है, 90 का है, 100 का है, 94 का है, तो बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन किया। ऐसा नहीं कि किसी ने 160 के स्ट्राइक रेट से मारे और वो 5-10 बॉल का आउट हो गया, ये अच्छा खेल रहा है, इंप्रूवमेंट है। पहले मैच में मेरे ख्याल से 70-80 रन पे कहीं ना कहीं ड्रुक चार्जर्स बहुत जल्दी ऑल आउट हो गई थी, उसके बाद अपनी गलती सुधारी और इस मैच में 50 ओवर बैटिंग भी की और एक अच्छा खासा टोटल भी बोर्ड पर लगाया, खास करके मिडिल ऑर्डर में बहुत ही शानदार बैटिंग यहां पर की है। अच्छा लगा देखिए कि 50 ओवर पूरे खेले और एक अच्छा टोटल भी साथ में बोर्ड पे लगाया, जो टोटल लगाया उसका स्ट्राइक रेट को दाद देनी होगी, 50 ओवर पूरे खेले उसका इंटेंट को दाद देनी होगी। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, यहां पर 9 विकेट जरूर गिरा है लेकिन 50 ओवर पूरे बैटिंग की है। बॉलिंग में क्या कोई बॉलर अकेला पड़ गया ऐसा लगता है? नहीं, बिल्कुल, रमेश एक है, रमेश जो बॉलर है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, और 10 ओवर में उन्होंने 2 मेडल दिए, 33 रन और 3 विकेट उन्होंने निकाले, सबसे बेस्ट फिगर रहा है उनका इस मैच में। और पारो ने 8 बॉलर यूज किए, इससे साफ पता चलता है कि कितनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्या बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, स्ट्रगल करवाया गया ड्रुक के बल्लेबाजों ने, ये बहुत बेहद ही शानदार है। और पेमा जिन्होंने 2 विकेट लिए 71 रन देकर 10 ओवर, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यही दोनों बेस्ट बॉलर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किसी का साथ मिला नहीं, इसीलिए कप्तान ने एक के बाद एक 8 बॉलर इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन पूरे 10 विकेट वो ले नहीं पाए और 50 ओवर में एक अच्छा खासा टोटल ड्रुक चार्जर्स ने लगा दिया। अगर हम यहाँ पर दूसरी तरफ चले, यहाँ पर चेस की तरफ चले, तो पारो ब्लूमून्स के पास 250 प्लस को बहुत ही बड़ा टारगेट यहाँ पर था चेस करने के लिए, क्योंकि पहले मैच में पारो ब्लूमून्स सिर्फ 81 रन पर ढेर हो गई थी, 80 प्लस 81 ऐसे 85 के आसपास वो पहले मैच में ढेर हो गई थी, वो बात और है कि उन्होंने दूसरी टीम को 60 के अंदर आउट कर दिया, वो मैच जीत गए, लेकिन बैटिंग तो खराब हुई थी, ये तो उन्हें भी मानना होगा, पॉइंट्स भले उन्होंने कलेक्ट किए हो, लेकिन आज
बहुत बेहतर रही है, बहुत बेहतर रही है, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। आप समझाएं कि इस 250 प्लस के चेज में क्या हाल रहा पावर ब्लूमिंग्स के बैट्समैन का। नहीं बिल्कुल, और कोई भी कहना होगा कि सिर्फ वन एंड ऑल पूरे वन एंड ऑल एक ही बल्लेबाज ने पूरी इस चेज को बांधे रखा था, किशन घले जी हाँ, उन्होंने इस चेज को बांधे रखा था। वन डाउन आए, 86 रन की उन्होंने ह्यूज इनिंग खेल डाली, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी ने भी अदर बिल्कुल। और पेमा जो जिन्होंने दो विकेट भी निकाले, वो डाउन और थोड़ा सा ऑर्डर में आए, मिडिल ऑर्डर में, जिन्होंने 25 रन बनाए लेकिन स्टिक नहीं सके, सिर्फ 25 बॉलों में 25 रन बनाए। लेकिन यहाँ पर आपको तेज नहीं खेलना था, ये थोड़ा सिचुएशन अलग था, यहाँ पर सात देना था, यहाँ पर सात ओवर बच गए जब टीम ऑल आउट हुई, 213 पे टीम ऑल आउट हो गई, 43.2 ओवर तकरीबन हुए, और वहां पर 25 बॉलों में 25 पेमा ने मारा, वो आउट हो गए। लेकिन वहां पर एक जम रही थी, पार्टनरशिप लंबी जा सकती थी, लेकिन अदर प्लेयर ने तो बहुत जल्दी अपने विकेट खो दिए। 113 बॉलों में 86 रन बनाए। आप स्ट्राइक रेट देखिए, 77 का स्ट्राइक रेट चेस करते हुए, वाकई कमाल का। किशन ने बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छी इनिंग खेली, और खास करके तब जब सारे तरफ से विकेट जो है गिरते चले जा रहे, उनको साथ मिल नहीं रहा, और जब तक वो क्रीज पे थे, जब भी हम स्कोरिंग देखने के लिए आ रहे थे कुछ देर में, क्योंकि स्कोरिंग हम लगातार मैचेस के देख रहे थे, तो वहां पर हमने देखा कि जब भी हम थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से एक विकेट गिर रहा है, ये खड़े और ये रन भी करते जा रहे हैं। आप देखिए लास्ट में जो डिफरेंस है यार, सात ओवर में कितने करीब करीब रन बचे होंगे चेस के लिए, बिल्कुल आप 213 आप बिल्कुल, और 42 रन बचे थे जब टीम ऑल आउट हुई जी हाँ। तो कहीं ना कहीं 40 प्लस बॉल्स आपके पास थी, 42 रन मौजूद थे, डेफिनेटली वहां पर अगर थोड़ा कोई और साथ दे पाते तो शायद किसी ने इस मैच को जिताने में कामयाब जरूर होते, लेकिन ओवरऑल लर्निंग के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर आया। लेकिन आपको बता दें, किशन के बाद जो सेकंड हाई स्कोरर रहे हैं पारू ब्लूमिंग्स के लिए, वो कोई प्लेयर नहीं बल्कि एक्स्ट्राज रहे हैं। बिल्कुल सही। अब यहाँ बॉलिंग की बात कर ले यार, ड्रूप चार्जर्स की बहुत ही टेरेबल बॉलिंग हुई है, क्यों आइए आपको समझाते हैं। बिल्कुल सही। अब देखिए आप, इसमें 52 यानी कि हाफ सेंचुरी क्रॉस कर लिया एक्स्ट्राज का, जिसमें कि 52 एक्स्ट्राज हैं, 37 वाइड है, उसमें भी 37 वाइड है, चलिए लेग बाय बाय होता तो समझ में आता, लेकिन 37 वाइड्स बहुत ही पुअर बॉलिंग हुई है ड्रू बॉलर्स की। अब लेकिन विकेट भी निकाले जरूर है, लेकिन आप सोचिए 213 रन है, 86 रन एक प्लेयर बना रहे हैं, और 52 रन अगर आपके एक्स्ट्राज खुद बॉलर ही दे रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। डेफिनेटली लाइन एंड लाइन की बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पे रही है, ड्रू चार्ल्स को इससे बेहतर जरूर करना होगा, एंड ड्रू चार्ल्स के लिए फास्ट विकेट टेकर कौन रहे जो कहीं ना कहीं इस मैच को जिताने में अपना योगदान जरूर दे। जरूर देखिए, अश्विन तिवारी जिन्होंने 43 रन देकर 3 विकेट लिए, और रोहित ने भी 28 रन देकर 3 विकेट लिए, और रोहित का छठा ही ओवर था जिसमें उन्होंने 3 विकेट निकाले, अच्छी बॉलिंग हुई है, इकोनॉमिकल हुए हैं, पर वही है कि बाकी अदर सभी ने मिलकर एक्स्ट्रास काफी दिए, उस पर कंट्रोल करना होगा, बिल्कुल कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में टीम से और बेहतर हो सकती है, वहां पर एक दो रन 5-10 रन भी अगर एक्स्ट्रा लगा देंगे तो आप शायद वहां पर उस मैच को गंवा देंगे। लर्निंग के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन हुआ है, क्योंकि इस बुरा स्कोर 50 कम में 90 प्लस ओवर पूरे दोनों टीमों मिलाकर ये पहली बार हुआ है कि किसी दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छी प्लस ओवर्स करीब करीब खेले हो इस भूटान सुपर 50 कप 2022 सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए कल एक और मैच है, उसके भी अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। हमारा कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिएगा, और लगातार ऐसे क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आती रहेगी। डेली क्रिकेट चैनल पूरी तरह से ऐसे डेडिकेटेड है, प्लीज सपोर्ट बना के रखिए, और वीडियो को लाइक करिए, एफर्ट के लिए हमारे बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।